आप लोगों को याद होगा, ये न्यूज आई थी लास्ट ईयर, सबा कमर के ऊपर. आपको याद होगा कि वो कोई शूटिंग चल रही थी बिलाल सईद की और सबा कमर की. पता नहीं कौन सी मस्जिद में, लाहौर की कोई एक मस्जिद है, वहां पर इन लोगों ने शूटिंग की. तो इन लोगों पे फतवे लग गए थे कि भैया आप ये क्या शूटिंग कर रही हैं. यानी इन लोगों को भी कीड़ा होता है ना आर्टिस्ट को. किसने कहा था कि तुम वहां से स्नैपचैट था या आप जो है स्टोरी डालो, किसने कहा था आपसे? आप वो स्टोरी नहीं डालती, किसी को पता ही नहीं चलना था कि आप क्या कर रहे हो वहां पर. मगर नहीं, आप लोगों ने स्टोरी डाली तो सारी दुनिया को पता चल गया कि आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं. तो बस उसके बाद से ये चीजें वायरल हुई. तो कोई एक साहेब हैं जिनको बड़ी तकलीफ हुई है, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है. कोई वहां थे, रहते हैं, करीब में ही रहते हैं वो, उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की. सो उसके बाद से हमको पता ही नहीं चल रहा था कि केस का क्या हुआ. काफी इन पे जोर पड़ा तो सबा कमर ने और बिलाल सईद ने, दोनों ने आकर पब्लिकली अपोलोजाइज किया कि देखो ये हम लोग वहां पे सिर्फ गाने का शूट कर रहे थे ना, वहां गाने बजाए हम लोगों ने. और करा भी तो क्या था, उसने कुछ नहीं किया था, बस एक यू करके घूमी थी वो, बस यू घूमी थी बस. और तुम लोगों के मस्जिदों में तो बैठ के मलंग यू 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 घूम रहे होते हैं, उसका कुछ नहीं होता तुम लोगों को. वो बेचारी जरा सी घूम ली, वो भी कोई म्यूजिक श्यूजिक नहीं लगाया हुआ था उन्होंने. तो उस पर उन्होंने देखो सारा खड़े हो गए कि बस क्या किया जाए. इब्ने आदम, मैं तो हूं जवान, तुम्हारी मम्मा हुई होंगी बुढ़ी, मैं तो अभी तक जवान हूं. देखो देखो मशल्स मेरे, मैं लगती भी नहीं वैसे 40 की. चलो चलो चलो. यार बड़ी पुरानी न्यूज है, नहीं पुरानी न्यूज नहीं है, अब नई न्यूज आ गई उस पे. अब ये पता चला 2 दिन पहले के, 2 दिन पहले नहीं, कल ही मुझे पता चला कि अब उनके ऊपर अरेस्ट वारंट दर्ज किया गया है. उनके ऊपर अरेस्ट वारंट लगा है क्योंकि उनको कोर्ट में जो है अटेंड करना था. कोर्ट में बुला रहे थे इनको. जब आप पे केस चलता है तो फिर आपको कोर्ट बुलाता है, कहता है कि भैया आप अपनी साइड की भी समझाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ये लोग तो गए ही नहीं क्योंकि बड़े बिजी हैं, उनके कमिटमेंट से, हमारे करियर की वजह से. हम एक्टर्स हैं तो हमको 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता, 1 दिन का टाइम नहीं मिलता. हम छुट्टी नहीं ले सकते कि जाकर हम कोर्ट में अपेयरेंस करते. तो आई डिडंट लाइक दैट एक्सक्यूज कि आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप एक कोर्ट अपेयरेंस कर सको. यानी इसको उन लोगों ने कहा सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा चलो ऐसी ऐसी हो जाएगा, हमने अपोलोजाइज कर लिया है, पीपल विल जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन. मगर ना ना, आप रहते हो पाकिस्तान में, लोग नहीं भूलते ऐसी बातें. वो तो शुक्र करो तुम्हारे घर पे नहीं पहुंच गए सारे खत्मे नबूवत वाले, वरना तो आपको जो है ना भागना पड़ता वहां से. वैसे आजकल सबा कमर जर्मनी गई नहीं है. यानी इन सबा कमर ने कहा कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. मगर जैसे उनकी शूटिंग खत्म होती है, वेकेशन का फॉरन टाइम मिल जाता है इनको, वेकेशन का फॉरन टाइम मिल जाता है. द थिंग इज कि देखें, गलत हुआ जो भी हुआ इनके साथ, ऑब्वियसली आई एम इन नो फेवर ऑफ के ओ स्टूपिड किस्म का फतवा लगा दिया उनके ऊपर, फालतू में केस ड्रैग कर लिया इन्होंने. और आपने कोर्ट का टाइम भी आप जाया कर रहे हो, कोर्ट का पैसा भी आप जाया कर रहे हो, सब कुछ ही जाया कर रहे हो इस चीज के ऊपर. बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कोर्ट को कैसा जोक समझते हैं. दे थिंक कोर्ट्स आर जोक. वो समझते हैं कि हमको जाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही फारिग हो जाएंगे, हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा. तो दे डोंट टेक द लॉ सिस्टम वेरी सीरियसली, उन्होंने नहीं लिया. उसके अलावा कोर्ट वालों को भी तो देखो ना, इतने केसेस कोर्ट में, कितने केसेस पड़े हुए हैं, कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं. मगर ना उन्होंने भी ये केस जो है एक्सपेडाइट में डाला हुआ है, इंपॉर्टेंस इसको दी दी है, प्रायोरिटी इसको दी दी है. सो इट इज जस्ट वेरी स्टूपिड टू सी वेयर ऑल दिस स्टफ इज गोइंग ऑन. तो अब देखो इनके लॉयर ने कहा है कि भाई हम करेंगे कुछ, दे आर ट्राइंग टू गेट दैट कैंसल्ड. और ये कि भाई हम अपेयर होंगे या कुछ ऐसी होगा, दे विल हैव टू अपेयर एंड टॉक इट आउट, देखो क्या होता है. मगर खैर आई थिंक जो इनका अरेस्ट वारंट वगैरह था वो शायद आई थिंक कैंसिल हो गया. मैं भी सुबह सुन रही थी उसको, हारिस को, तो यही कह रहा था कि वो कैंसिल वगैरह हो गया है, विच इज गुड. अब सबा कमर को कौन सा इन्होंने जर्मनी जाके अरेस्ट करना था, वो तो ऑलरेडी भाग गई जर्मनी, वो तो ऑलरेडी जर्मनी में है. If you let me go, I promise it will bring peace to you. तुमने कौन सा मेरा पीस इस वक्त खराब किया हुआ है? तो
एनीवेज आई होप कि पाकिस्तान ने कुछ थोड़े से दिमाग थोड़ी सी क्या कहूँ मैं उसको, थोड़ा सा तहम्मुल लोगों के अंदर आना चाहिए, थोड़ी सी बर्दाश्त लोगों में पैदा होनी चाहिए, वरना ये इस्लाम तो खा जाएगा, खा गया है, खा जाएगा क्या, खा गया है।